हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग घर पे मस्त होंगे और भले जमे होंगे। और अभी का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे उठते ही, और अभी टाइम हो रहा है 10:26 और अभी हम उठे हैं और मम्मी वगैरह भी शायद अभी सो रही हैं। तो अब उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और आज मैं जल्दी जग गया हूँ तो मैं चाय भी बना देता हूँ। यहाँ दूध रखा है, इस दूध को जो है फ्रिज में रखना है चाय बनाने का। यहाँ इसलिए रख देते हैं दूध कि फटे ना फ्रिज, वो किचन में बहुत ज़्यादा वो आती है ना उमस। और उठते ही व्लॉग स्टार्ट करने का आज मेरा मूड करा और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और सोच रहा था खाली मैं ही उठाऊं, मैं नहीं उठाऊं, मेरे संग मेरी सिम्मी भी उठ गई है और मम्मी भी अभी उठ के आई है। दूध लिया ना, उठ के आई मम्मी, बहुत देर की उठ गई, सब काम करके दोबारा लेट गई, दूध ला के सब काम कर करा। अच्छा तो चाय क्यों नहीं बनाई आपने? चाय जानबूझ के ना बनाई, फिर बार बार गर्म करते रहो तुम लोग। मैंने अभी एकाध तो उठाओ, जब तेरी आवाज आ गई तब आई उठ के। अच्छा, और आज का मौसम देख लिया जाए तो धूप वाला मौसम है। पीते ही मैं बैठ जाऊंगा भाई अपना इंग्लिश का काम करने के लिए, क्योंकि मेरे इंग्लिश में थोड़ा बहुत काम रह गया तो वो करना है बैठ के। परसों कॉपी चेक होंगी ट्यूसडे वाले दिन। और चाय भी अपनी बनने के लिए मम्मी ने रख दिया तो हम पी भी सकते हैं इस चाय को। और देखो मम्मी कैसे हुई, इनके तकिया की वो छप गई, हाथ पे छप गई। अच्छा अच्छा कंगन। उठ के व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया पर मुँह हाथ धोना रह गया, तो अब मुँह हाथ धोते हैं। हाथ भी धो लिए हैं और नहाने अभी इसलिए नहीं गया क्योंकि आज मुझे आऊँगा बाल कटवाने। आज संडे है ना, तो बाल कटवाने आऊँगा। ये बाल जो कितने कितने यहाँ यहाँ से बढ़ गए हैं तो इनको कटवा के आऊँगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश का काम करने के बाद फिर चलेंगे बाल कटवाने के लिए। अभी तो अपनी चाय खोल रही है और मम्मी बाहर जो है ताका झाकी कर रही है। पता नहीं किसको देख रही है, पिल्लू को देख रही है, रोटी डाली है पिल्ला है। अच्छा, मम्मी चाय बना रही है। इतने में नीचे चलते हैं और साफ करते हैं गणेश जी के सामने सामने और नीचे वाला कमरा। इतने में फिर हमारी चाय भी बन जाएगी, पोछा लगाना है और झाड़ू मारनी है फिर, क्योंकि पूजा भी तो करनी है नहाने के बाद। डायमंड को भी अभी रोटी दी है, देखो डायमंड अपनी रोटी दुबका रहा है तो सामने अभी दुबकी नहीं है इस तरीके से। साफ करके मैं आ चुका हूँ और मम्मी मैंने नीचे साफ कर दिया है। बोलो कुछ, तुम्हारी लड़की से पहले जाके साफ कर दिया मैंने। दीदी 11:30 जगी है, अभी टाइम जो हो रहा है जी सुबह उठ के तुम्हें जगा गई, तुम जगे ना वो ना गई जॉगिंग के लिए। अच्छा जॉगिंग के लिए कहा जाती है, फ्लैट पे जा रहे हैं हम तो रनिंग मशीन पे। जा गई फिर? अच्छा सही है भाई, मैं तो चाय ले लेता हूँ, अपनी चाय बन चुकी है। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। टनाडंग, इसके मन को चैन आ जाए प्रभु, इसके मन को चैन आए। गाना अच्छा गाया ना, अगर इसके मन को चैन आ गया हुआ तो हम माँ बेटी भी चैन में रह पाएंगे। ऊपर वाले कह दी ठीक है, अदरक की बनाई है ना, अदरक लाओ कल मैं पूरे 25 रुपए की अदरक लायो। पर पता है यार टाइम की अदरक अच्छी तो लग रही है, कच्ची है पर अच्छी है। वाओ क्या डायलॉग होना, कच्ची है पर अच्छी है। उठ के मैं नीचे का साफ करने आया हूँ और मेरी मम्मी यहाँ पर बैठी है मोबाइल चला रही है, मेरी दीदियाँ बैठी है मोबाइल चला रही है, मेरी सुनियाँ बैठी है काम नहीं कर रही है। मोबाइल छूट तक ना है और सब मोबाइल चला रहे हो तो और कोई काम ना करते, यही काम करते बस। देखो कितना गंदा पड़ा है। ओ रूम में तो झाड़ू मार दी, क्योंकि रूम में मैं रहता हूँ तो क्लीनिक होती है, रूम बहुत क्लीन रहता है। लात मारी है दीदी, दीदी मम्मी ऐसा दुगली गाल पे खींच के मर जाएगा अभी। पांचवी क्या है बाढ़ मेरा ओके जी, सिमी तो तुरंत बेइज्जती मार देती है। ने मेरे के पर्दा और मैं बताऊं क्योंकि 6 अक्टूबर को जन्मदिन है। हाँ, रात पे के बोल रहा मुझे अभी 14-15 दिन पड़े हैं। आज मैं भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है
जाकी बुई आदत है शादी में अरे इन हमारी पहनी चुहे बस हकीकत बात है शादी में एक भैया के जीजा जी फूफा जी है कहाँ पे जरूरी होता है भैया के जीजा जी फूफा जी है कहाँ तो फूल हम फूलेंगे अरे हम फूलवे को कहा मौका ही ना देंगे हम बुलाएंगे ही ना हम 21 कार्ड छपवाएंगे वहां में से सिर्फ एक तो दियांगे गणेश जी मंदिर में रखेंगे है ना और एक बैंड वाले के लिए सुनियो बैंड वाले के लिए जाता है बैंड जाता नहीं है हम देंगे और रिश्तेदारों को नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे रिश्तेदारों को जैसे रिश्तेदार देंगे हमें तो कार्ड दिया नहीं तुरंत कह देंगे तो हमें अपना मानते ही नहीं हो फोन किया था ना बताया तो था आ जाना बुलाएंगे हंसना था क्या इस बात पे कैसी देवी सु अपनी शादी में खाना बचाना चाहते हो ये कहो खाना तो खाना बचाना बिगड़ने से बचाना चाहते है ले लेंगे खाना और फिर उसमें फेंकते घूमेंगे मैं सबसे बताऊँ वो जो फल वगैरह होता है कि एक्स्ट्रा तरीके से काट लेता है तो प्रसाद की तरह बस बोल दूंगी बिहारी जी का प्रसाद है प्रसाद की तरह खाना बनवाऊंगी जिसने भी बिगाड़ा चल किसी उसमें फिर देखना वो सेब पेप कटता है एक्स्ट्रा काट देते हैं तो वो सेब वगैरह सारे रुकेंगे तो वहीं और भैया की भी भैया चले आएंगे वही रुकूंगा मैं और पार्स वगैरह रुकूंगे और सवरे सेब बेबे भरवा के एक बोरा में और घर ले आऊंगा गाय वगैरह ने डाल दूंगा है ना 100 रुपए लेने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने बाल कट कराने के लिए ओके बाय मम्मी कचू लाऊं अगर जहां से पैसा बचो तो ठीक है एक्चुअली वो आ नहीं पाते वो अपनी जेब भारी हो जाती है तो वो कहते कचौड़ी वाले भैया कहते हैं बेटा कचौड़ी खा जा मना करता हूँ तो भी खिला ही देते हैं मुझे इसलिए जो है अंदर आ नहीं पाते पैसे मैं आज पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ ओह गॉड यस बिना प्याज की बनेगी ना क्यों भूख बिना प्याज की और पनीर की वैसे बना दिया देख रहा हूँ दाग कछु बन रहा हूँ प्याज डालिए अभी तक प्याज कौन डाली वो तो बात सही है तुम्हारी कटवाने के बाद जाऊंगा नहाने के लिए नहाने के बाद भाई फिर करूंगा अपना इंग्लिश का काम गणेश जी के हाथ जोड़ने के बाद और मेरी बाल कटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है भैया ने देखना भाई गले में ऐसे पट्टा सा बना बड़ा अजीब सा लग रहा है ये और साइड साइड के जो बाल थे भैया ने अच्छे तरीके से काट दिए हैं और अब बाजी है बीच वाले बालों की कटिंग की तो मैं घर पर और अभी जा रहा हूँ सीधे नहाने के लिए क्योंकि यार ये बाल जो है ना बहुत ज्यादा चुभ रहे हैं और नहाने के बाद लेंगे मम्मी और दीदी के रिएक्शन तो मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए है तो बालक तुम्हारे मेरे यार है मैं पढ़ाऊंगा तुम पढ़ाओगी मैं जा रहा हूँ नहाने बैठ गया था अपना इंग्लिश का काम और इंग्लिश का काम भी मेरा आधा हो चुका है और अभी दे रहा हूँ मम्मी को चाय गरम कर और फिर उसके बाद मम्मी का रिएक्शन लेंगे कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं दीदी ने तो यार बेकार बता दिए तो कोई बात नहीं मम्मी अच्छे बताएं शायद के साथ बैठ के चाय पीने के बाद खाऊंगा भाई खाना क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया और खाने में यार मम्मी ने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं एक तो है रोटी और बनाई है शायद शाही पनीर की सब्जी और खीर पेड़ों को पानी लगाते हुए हमारी मम्मी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं अंतरी संतरी छत पर पानी लगा रही है मम्मी ने बताया कि छत पे हमारे आ चुका है एक पौधे पर अनार कहाँ है ओहो ये रहा कितना अच्छा लग रहा है वाह उस पर गुड़हल का फूल और ये सफेद का फूल क्या अपराजिता का फूल अच्छा सही है और मेरी भी आली भाई बेल बढ़ जाएगी बहुत जल्दी इसके भी आ रहे हैं उधर कोने में हाँ छोटी छोटी कलियां निकल रही हैं अभी तो देखो ये देखो छोटी छोटी कलियां निकल रही हैं सही है और तुलसा जी भी अपनी सही हो रही हैं और ये भोलेनाथ का पेड़ कल ना पानी नहीं लगा है तो कल की वजह से कितने मुरझा गए अभी थोड़ी देर पानी लग जाएगा ना ओहो जी किनको काम गिरा दो उठू तो ऐसे रहने गाड़ी वाड़ी उतका है जी है ना सिर नहीं बनने वो शौक पड़ रहा है ए चलिए दे नीचे उतर नीचे उतर ओहो एक ये भी आ रहा है अनार छोटा सा नहीं अनार नहीं है फूल है क्या अनार है अच्छा सही है आ तो रहे हैं मम्मी पी रही है अपनी चाय और मैं पी रहा हूँ अपनी चाय कैसे लग रहे हैं मेरे बाल अच्छे वो तो सही बता रही है मौसी तुम बेकार बता रही हो थोड़े छोटे होते हाँ मैं कह रही थोड़े छोटे होते थोड़े बहुत तो मम्मी को बाल अच्छे लगे ये तो सुबह के टाइम पे तो 20 दिन कह दिया बेकार लग रहा है बिल्कुल छपरी लग रहा है ऐसे कह रही छोटे होने चाहिए थोड़े वो सही है
ना बड़ी कटिंग है जाएगी। 8-10 दिन बाद फिर चल दोगे लाओ मम्मी पैसा। ए यार 10 दिन बाद काम करूं, एक महीना से है बाल के लिए आवार। एक यहाँ 3-3 महीना चलते हैं, 50 रुपया के बाल कटे भाई। ऐसा तो गंजी करा लूं। गंजी मत करा, गंजी करा लेना इधर क्या। चाय भी पी ली? पी ली तूने अपनी? आप भूख लग रही है, कछु खाने के लिए ना बनाया मम्मी ने हमारी। हमारी मम्मी का जो खाने के लिए ना बनाती है मालूम है, गरम करके खाते हैं। ये रही मेरी शाही पनीर की सब्जी, और ये रही मेरी खीर, और ये रही मेरी तीन रोटी, और ये वाली सब्जी जो है बिना प्याज की है, क्योंकि गणेश जी का भोग लगाया था। तो अब शुरू करते हैं खाना। और भाई मैं तो अब खाना खा रहा हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 4:30। सही लग रही है वैसे तो, अच्छी लग रही है। गलती है तब उसका अलग टेस्ट आता है ना, बस प्याज के टेस्ट की कमी है भाई। और इसी के साथ इसी ब्लॉग को करते हैं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा ब्लॉग, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।